plans. We are going directly to Agra क्योंकि दिल्ली जाके आज दिल्ली जाके कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि कल हमें वापस आगरा जाना ही था, तो हमने सीधा आज ही डिसाइड कर लिया कि आज आगरा जाएंगे. विल स्टे आगरा में ही आज एंड कल ताजमहल देख के विल गो बैक टू दिल्ली. लस्सी भी पिया है, बहुत टेस्टी था. अब हम जा रहे हैं आगरा की ओर एंड आगरा इज 230 किलोमीटर फ्रॉम हियर. आई सी यू डायरेक्टली एट आगरा. बाय. इन 1.2 किलोमीटर्स कीप राइट. लास्ट नाइट बहुत लाइक लॉन्ग जर्नी के बाद वी रीच्ड आगरा, तो आज हम ताजमहल देखने जाएंगे एंड आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल वूलन मनाली कुर्ती एंड दिस अमृतसर झुमकी. सो ओ या आई हैव दिस ब्यूटीफुल दुपट्टा फ्रॉम अमृतसर. आज ताजमहल बंद है, हमें नहीं पता था फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है, बट देख लेते हैं अगर ये फोर्ट से भी ताजमहल का कुछ तो व्यू देखते हैं. तो जितना दिखा सकती हूँ मैं वो आपको दिखा दूंगी. ये टिकट काउंटर है, यहाँ से हम टिकट लेंगे. अब हम जा रहे हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या है यहाँ. यहाँ लाइन बनाना होता है अंदर जाने के लिए. अब यहाँ एक महीने से मास्क भी कंपलसरी हो गया, नो एंट्री विदाउट मास्क. शामने वाला रूम आप देख रहे हैं.
अकॉर्डिंग टू वेदर, यानी समर टाइम में कॉटेज और विंटर टाइम में पर्शियन कार्पेट है। आप जितने भी डोर देख रहे हैं ये ब्रिटिश टाइम के डोर है। ये है उनका डाइनिंग हॉल डुप्लेक्स में बना हुआ, सेंटर में जो डोर है इसके अंदर ओपन साइड में उनका किचन होता था। देखिए मैडम नीचे किंग होता था, जरोके के अंदर क्वीन, वैसे ही फोर साइड से बैठ फैमिली के मेंबर होते थे, साइड से उनका लेडी सर्वेंट होता था फ्लावर डाउन करने के लिए। तो इस पैलेस को रंग महल बोलते हैं, इसको रंग महल बोलते हैं। रंग महल भी मुगल टाइम का एंटरटेनमेंट करने का पैलेस है। तो साथ में फोर्ट के अंदर हम जितना भी रेड स्टोन का पैलेस देखेंगे वो अकबर का ये है। तो वो जो गेट है वो है ऊपर साइड में उनका किचन, मैंने बताया था किचन, यानी मैंने बताया था उन्होंने उनका डाइनिंग हॉल, यहाँ सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए खाना बनता था। प्लीज साइड से आओ मार्बल से बना हुआ है। ये जितना बिल्डिंग है ये सब शाहजहां का बनाया हुआ है, और हमने अभी तक जितना देखा रेड फोर्ट रेड ईट से बना हुआ वो सब अकबर और जहांगीर ने बनाया था, और ये जितना वाइट है ये शाहजहां के। यहाँ से ताजमहल दिखेगा, यमुना रिवर। जब यहाँ से देखते हैं तो इस प्रोसेस के नीचे का एरिया दिखाई नहीं देता, तो इसलिए ये यहाँ से बड़ा नज़र आता है। इसको अपनी घरेलू चलते यहाँ से टाइम के अंदर इसके अंदर ग्रेप्स फार्मिंग होता था। ग्रेप का जो प्रोडक्ट होता था उनसे मुगल बादशाहों के लिए वाइन बनाया जाता था। अब डाउन साइड में जो थ्री साइड से रूम आप देख रहे हैं इसको हरम बोलते हैं। हरम एक उर्दू वर्ड है। हरम मीन्स होता था जो मुगल बादशाह का अनऑफिशियल वाइफ होता था, इलीगल वाइफ, उनका लिविंग एरिया। ठीक है, वो तीन जो द्वार है वो नहीं नहीं वो नहीं, ये सभी रूम थ्री साइड से कई सारे होते थे। ओके, तो आप लोग यहाँ से फोटो वगैरह निकालना चाहो तो निकाल लीजिए। वो एक मकबरा है, वहाँ पर उनकी ग्रेप्स बनी हुई है, उनको दफनाया गया, वहाँ उनका रहने का नहीं है। मैंने पहले बताया ना मुगल टाइम के अंदर दरवाजे नहीं बाहर से पर्दों का इसमें इस्तेमाल करते थे। इसकी खासियत क्या है, स्पेशलिटी क्या है, वो इसके अंदर से आपको देख के बताएंगे। ओके, ये बेडरूम है व्हाइट मार्बल से, जितना भी आप डार्क पेंटिंग देख रहे हैं मुगल टाइम के अंदर सारी पेंटिंग गोल्ड की होती है। देखिए मैडम इस आर्च के अंदर ना, ये जो आर्च बना हुआ है ये वाला, इसके अंदर गोल्ड की पेंटिंग होती थी, छोटे छोटे डायमंड्स थे। ये
हाउस, यहाँ सिर्फ VIP लोगों की सीक्रेट मीटिंग्स होती थी। समर टाइम में पैलेस के अंदर मीटिंग करते थे, विंटर टाइम में ओपन साइड सनलाइट्स पे, जब आउटसाइड में मीटिंग करते थे। बाजार लगाया जाता था जिसको बोलते हैं मीना बाजार, ओनली फॉर लेडीज शॉपिंग सेंटर। इस फोर्ट के अंदर जितना भी लेडीज होता था उनके लिए इस मार्केट को लगाते थे, इसके अंदर किसी जेंट्स को अलाउ नहीं करते थे, ओनली किंग। डाउन साइड में जितने भी रूम आप देख रहे हैं उनकी शॉप्स होती थी, या जो शॉपकीपर्स होती थी वो भी लेडीज होती थी। तो अप साइड में जो रूम बने हुए ना वो उनके मिनिस्टरों के ऑफिस होते थे, अकाउंट्स सेक्शन। देखिए अकबर और जहांगीर के बाद जब शाहजहां का टाइम पीरियड आया तो शाहजहां ने इसके अंदर एक पॉन्ड बनवाया। पॉन्ड समझते हैं, एक रीज़न होता था, इसका मेन रीज़न होता था कि शाहजहां जैसे मछलियों को गाइज। आगरा फोर्ट देख के हो गया, इट वॉज सो ब्यूटिफुल, इतना सुंदर है और कहानी सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो आप अगर यहाँ कभी भी आए तो एक गाइड ले लेना, हमने भी वही किया क्योंकि गाइड होगा तो लाइक यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस प्लेस। सो या नाउ विल गो बैक टू दिल्ली। ताजमहल तो नहीं देख पाया बट बहुत खुशी हूँ कि आज एटलीस्ट आगरा फोर्ट तो देख लिया है। Don't forget to like, share and subscribe. I'll see you in my next video. Bye. We are on our way to Delhi. Yeah.